हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 24। देखो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करवा क्रिया एथर आप 30 मार्क निहाती आसो। 30 मार्क कौन? 30 मार्क ऊर्ध भी आपको आसपे। तो यार प्रिभसली मुझ पार्ट 1, 2, 3 कि क्वेश्चन देती इंपोर्टाट क्वेश्चन से ही एक्जाम बेस्ड क्वेश्चन आप देखे नि प्रिवियस इयर के क्वेश्चन यूर आसाला। तो क्रिया हूँ आम सब बड़ इंपोर्टाट जोटा कि अधिक पॉजिटिव मार्क सिक्योर कर, किंतु आपड़ जदि या मन इच्छा करेंगे तो नेगेटिव मार्क सिक्योर करेंगे। तेणुक्री आप कौन करेंगे ना आम क्लासटा को संपूर्ण भाव में देखूँ, मात्र किसी कनसेप्ट अच्छी जोटा कि आपको पूरा क्लीयर कराब। तो चलतु अधिक कथबार्ता न कर देखा कौन हो आजिकार कनसेप्ट। तो फ्रेंड्स, आम चैनल रे पूर्व 3टा पार्ट अपलोड कराई आपति व्वाच करूँ, आ भल लगे आम चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी आइटन आइकन को प्रेस कर दिंतु। ओके ठीक अच्छे, जदि भिडटे भल लगी था लाइक करके सांग सहित सेयार कर दिंतु। चल चल देखिया कौन हो आजिकार कनसेप्ट। ओके फ्रम द स्टार्टिंग देखूँ कौन हो ना क्रिया बा धातु। आम क्रिया कौन कह जाए क्रिया, आ क्रिय आपंकर धातु भी थाए। क्रियार मूलपिंड होची आमर धातु, ये क्वेश्चन पचारि पारे। ठीक अच्छे, बहुत कॉमन क्वेश्चन। नेक्स्ट होची उत्पत्ति दृष्टि क्रिया को दुई भाग में विभक्त कर, उत्पत्ति दृष्टि क्रिया को दुई भाग में विभक्त कर कौन कौन ये भी पचारि पारे ना। गोटे मौलिक क्रिया, गोटे व्युत्पन्न क्रिया बा जो कौन वैकृतिक। ओके जदि ऑप्शन दुईटा जाक अच्छे वैकृतिक व्युत्पन्न तेल दुईटा जाक हम आंसर, वैकृतिक भी हो पार व्युत्पन्न भी हो पार। ठीक अच्छे, नेक्स्ट कौन हो देखो नेक्स्ट कनसेप्ट कौन रोचे। नेक्स्ट हूँ आमर ना मौलिक धातु को पुणी केत भाग विभक्त कर तत्सम तद्भव देशज। ओके जो आपंकर क्रिया को दि भाग विभाग कराला गोटे मौलिक आ गोटे व्युत्पन्न, सेमती आप कौन करा ना मौलिक धातु को आपंकर तीन भाग विभाग कर गोटे तत्सम तद्भव आ गोटे देशज। ओके ठीक अच्छे, नेक्स्ट आसा वैकृतिक व्युत्पन्न दृष्टि धातु केत भाग विभक्त कर प्रयोजक धातु आ गोटे है नाम धातु। यहाँ हूँ सबुठ बड़ इंपोर्टाट क्वेश्चन, ये मैक्सीम पिला भूल करती, आम कि भूल करवा ना कारण आम आज शिखिजा जाए केमी हो आंसर। ओके चल देखा नेक्स्ट कौन देना प्रयोजक व प्रेरणार्थक धातु, क्या आम प्रयोजक व प्रेरणार्थक धातु कह देखु जड़े अन्य जन द्वारा कार्य कराइले बा कले जड़े गोटे कार्य को अन्य द्वारा साधन कराइब तेल से प्रयोजककर्ता हे से जो कार्यटा रे कार्यटा होमर प्रयोजक क्रिया आए से कम कर कौन हो प्रयोजक व प्रेरणार्थक से जो क्रियाटा हो प्रेरणार्थक धातु। ठीक अच्छे, नेक्स्ट कौन हो एग्जांपल देखो राजा मूर्ति गढ़ाऊ, राजा मूर्ति गढ़ाऊ राजा निजे मूर्ति गढ़ूना से कारीगर मान द्वारा मूर्ति गढ़ाऊ। ये देखो आकारांत ये सब आम कौन धातु सहित धातुर लास्ट लास्ट लेटर रे कौन लगे ना से आकारांत लगे कौन लगे आकारांत आकारांत लगे से कौन हो प्रेरणार्थक धातु, किंतु बेले बेले नाम धातु भी हम आप जानवे केमती प्रेरणार्थक धातु कि प्रयोजक धातु आप देखिए जे से कमटा जड़े जी कर्ता। ओके से कौन कै ना अगर जन द्वारा कम कराए तो आम कह प्रेरणार्थक धातु व प्रेरणार्थक क्रिया व प्रयोजक क्रिया। ओके तो आपणकर जदि ऑप्शन रे भी पचारा प्रयोजक धातु भी देव प्रेरणार्थक धातु भी देव कौन करेंगे दुईटा जाक राइट आंसर हम फ्रेंड्स, जोटा कि ऑप्शन नंबर डी रे आपंकर थी टी देखि रखिक करेंगे आ गोटे देते गोटे ही करेंगे। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, नेक्स्ट कौन हो कनसेप्ट नंबर 3 प्रेरणार्थक धातु क्या कह ना एक क्रियावाचक विशेष प्रेरणार्थक धातुटा गोटे कौन आ कौन हो पारे एक क्रियावाचक विशेष भी कही पारे जदि ऑप्शन रे प्रेरणार्थक धातु दे ओके प्रयोजक धातु देखे क्रियावाचक विशेष तेल ऑप्शन नंबर डी रे उपरोक्त समस्त कौन करेंगे ना आप क्रियावाचक विशेष भी ठीक हम। ओके प्रयोजक धातु को आम क्रियावाचक विशेष भी कहीपर जमी कौन। नेक्स्ट देखु प्रेरणार्थक धातु विशेष भाव कौन विशेषण भाव प्रेरणार्थक धातु केत विशेषण भाव व्यवहार करवा ना देख मुदे तुम छापा बहीटी मत दि तुम छापा बहीटी। ओके मत दि केत विशेषण भाव में यूज है विशेषण भाव में। नेक्स्ट हूँ कौन सबुबले धुआ लुगा पिंध, ये जो धुआ लुगा रहा धुआ लुगा पिंध छापा बहीटी मत दि ये कौन प्रेरणार्थक धातु हूँ कौन छापा धुआ यहाँ विशेषण भाव है कहीं विशेषण है देखो ये बही हूँ आपणकर कौन गोटे संज्ञा बा नाउन आ संज्ञा पाखे जी बसे कौन कह विशेषण बोली कह कौन कह विशेषण बोली कह कि ये हूँ गोटे गोटे क्रिया ये गोटे क्रियावाचक धातु गुड़ाक मानने
छापिबा धोइबा एगुड़ा गोटे गोटे क्रिया कि नहीं किंतु छापा बहीर अर्थ बहीटी छपा होइछि ओके धुआ लुगार अर्थ होला लुगाटी धुआ होइछि तेणुकर एगुड़ा कौन कहवा ना प्रेरणात्मक धातु को आम विशेषण भाव यूज कले कहवा तो ऑप्शन रे आपन देथिबो प्रेरणात्मक धातु विशेषण भाव प्रेरणात्मक धातु विशेष्य भाव प्रेरणात्मक धातु सर्वनाम भाव आप कौन करेंगे ना जेहेतु ये गोटे संज्ञा पूर्व व्यवहार होती नाउन पूर्व बही पूर्व लुगा पूर्व मंदिर पूर्व हो पाए पर्सन पूर्व हो पाए पर्सन मैंने जेको पुरुष पूर्व हो पाए ताको जदि किसी मोडिफाई करुच्ची विशेषित करवा विशेषण छापा बहीटी आ धुआ लुगाटी चलो देखा नेक्स्ट कनसेप्ट जदि भिडटी को आपड़ बुझीपना टिके कौन करेंगे आप प्रिवियसली टे पज करी आउ थे पचुक जा देखिए सबकि जापर सबकि ओके आमर कौन कराई ना मुझ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करदे पार्ट वन पार्ट टू ओके पार्ट वन पार्ट वन पार्ट टू आउ पार्ट थ्री भल भाव देखूँ आज कनसेप्ट को पार्ट वन पार्ट टू थ्री पार्ट थ्री आप्लाय कर देखिए सबकि आंसर ऑप्शन देवा पूर्व ही आप आंसर पाइपर ठीक अच्छे तो चलो तो देखा नेक्स्ट कौन मुझार देखु नाम धातु और नाम धातु क्रिया कौन नाम धातु और नाम धातु क्रिया कौन नाम धातु कौन आम धातु क्रिया कौन जो क्रियापद धातु विशेष्य विशेषण शब्दर निष्पन्न ताको नाम धातु क्रिया कहवा ओके नाम धातु क्रियार अर्थ होची विशेष्य रु होइतिबो नले विशेषण रु तयारी होइतिबो ता कहबा नाम धातु क्रिया किंतु हमरो कर एबे जो बुझैथिली मु प्रयोजक क्रिया रे धातु प्रयोजक क्रियार धातु गोटे क्रियात्मक धातु ओरे क्रियात्मक धातु ओके प्रयोजक क्रिया रे गोटे धातु जमिति कि छापा छापाटा कोन गोटे कामटा धुआटा गोटे कामटा किंतु नाम धातु रे कोनोसी काम नथिबो मन रखंतु नाम धातु को इजिली बुझिया पाइले सेतिरे कोनोसी काम नथिबो गोटे नाम को नहीं कि काम कला भाया बुझाऊ गोटे नाम को नहीं काम कला भाया बुझाऊ ठीक अच्छे देखो केमती हूँ गोटे एग्जांपल देखा शब्दर अन्य तार कौन अन्य नाम हूँ शब्द क्रिया भी कहीपर नाम धातु क्रिया को आम शब्द क्रिया कह कहीं शब्द क्रिया कहवा कारण शब्दा गोटे कौन नाउन ओके मुझे इंग्लीश में कहूँ बोधे आप बुझीपना आपको ओडिये कहले बुझीपर कारण ओडिया हूँ तार संज्ञा नाउन रिया हूँ कौन संज्ञा ओके तो संज्ञा पाई कौन हुए ना जी संज्ञावाचक शब्द गुड़ाक आम नाम धातु हिसाब से यूज करपर जमी नाक देखो नाक नाकटा को मुझे जदि क्रिया हिसाब से यूज करी कौन लिखिपर नाकेबा नाकेबा कौन लिखिपर नाकेबा हेले नाकटा तो कौन से क्रिया नाला कि नाकु आम नाकेबा आसला ता मैंने कौन होगा नाम धातु गोटे क्रिया सृष्टि से नाम धातु क्रिया कह जाए आउ कौन से थाए ना विशेष्य विशेषण मिसिकी रही थाए विशेष्य विशेषण मिसिकी थे भी आप हम नाम धातु क्रिया हो पार चलो देखा कतेटा एग्जांपल्स प्रथम एग्जांपल हूँ मदक मका दातौची मदन मका दातौची से मका को दातरे ताने कौन दातरे खाऊ बुझिपार ना दात हूँ कौन से क्रिया नुहे दात हूँ गोटे कौन संज्ञा बा गोटे शब्द आ शब्द रु क्रिया भाया जदि सूचेब दातवा ताले कौन हम सी ना सी हो नाम धातु क्रिया नाम धातु क्रिया कहीपर तक ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो आउ कौन एग्जांपल अच्छी आख पाख विशेषण विशेष्य पद देखो यहाँ किसी जमापड़ नेक्स्ट हूँ नाम धातु आकारांत अपेक्षा एकारांत अधिक व्यवहृत होता है मन रख सर्टकट्रे लिखी गुड़ाक आकारांत अपेक्षा एकारांत आकारांत एकारांत कौन जमी नाकेबा मुझे कहली नाकेबा ये एकारंत हो ना करे एकार के नाकेबा ना नहीं किंतु मुझे जदि लिखी पढ़े पढ़ाइबा पढ़ाऊ पढ़ाऊ कौन है आकारंत है तो सी कहि नाम धातु आकारंत अपेक्षा एकारंत पढ़ाऊ आम पढ़ाऊँ भी कहीपर पढ़ाऊँ भी कहीपर कि एकार आकार अकारंत ए तीन टा भितर आम कौन हो ना अकार एकारंतर अधिक प्रयोग होके ये खाली जानिया पे मुझे कहली नेक्स्ट देखूँ जमी आप रहा झाल युक्त आ ओके कौन कह झाइबा भी लिखिपर झाइबा भी लिखिपर कि आम बेस झाइबा बोली कहे झाइबा बेस कहूना ठीक अच्छे तो तापरे व्युत्पन्न पद मु बारंबार आप डिस्कसन कर व्युत्पन्न ताको वैकृतिक कहते वैकृतिक दुई प्रकार गोटे प्रेरणार्थक प्रयोजक आ गोटे नाम धातु
ହେଲା, ବାରମ୍ବାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି କ'ଣ ଫାଇଦା? ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହୁଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍, ନାମଧାତୁ କ୍ରିୟାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଓକେ, ନାମଧାତୁର କ୍ରିୟାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କେମିତି? ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ପଢ଼ ଧାତୁରୁ ପଢ଼େଇବା, କ'ଣ ହେବ, ପଢ଼ ଧାତୁରୁ ପଢ଼େଇବା, ଆଉ ନାକ ନାମରୁ ନାକେଇବା, ନାକ ନାମରୁ ନାକେଇବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ନାକ ହେଉଛି ନାମ, ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା ହେଲେ ବି ଏକାରାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଧାତୁ ଥିଲେ ବି କ୍ରିୟା କ୍ରିୟାବାଚକ ଧାତୁ ଥିଲେ ବି କ'ଣ ଥାଉଛି ଆମର ନା, ସିଏ ବି ଏକାରାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତା'ମାନେ ସ୍ୱରୂପଟା ସମାନ ଶୁଭୁଛି, ଓକେ, ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମିନିଙ୍ଗ ଅଲଗା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାମ ଧାତୁ କ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ବା ପ୍ରୟୋଜକ କ୍ରିୟା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ନାଁ ତା'ର ଅଛି, ପ୍ରୟୋଜକ ବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ। କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଜକ ହେଲା ନା, ସେଥିରେ ଦୁଇଟା କର୍ତ୍ତା ଥାଉଛି, ଦୁଇଟା କର୍ତ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରୁଛି। ଯେମିତି ମା ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ମା ଛୁଆକୁ, ଇଏ ନୁହେଁ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ, ରାଜା ରାଜା କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓକେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି। ତ କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ରାଜା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଠି ରହିଲେ ରାଜା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଠି ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ତା କ୍ରିୟା ବି ପ୍ରୟୋଜକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତାକୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କାରଣ କାମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି କାରିଗରମାନେ, କିନ୍ତୁ କାହା ନାଁରେ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ, ବା ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏକକ କ୍ରିୟା କ'ଣ। ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ଓ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଏକକ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଧାତୁ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ, କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ବା ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ରହିପାରିବ। ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତିର ସଂଯୋଗରେ ଆମର କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ, ଏକକ କ୍ରିୟା ତିଆରି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଥିବ, ପଚେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଥିବ, କ'ଣ ଉପରୋକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦଟି କେଉଁ କ୍ରିୟା ସୂଚାଗ, ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ହିଁ ଧାତୁ ଅଛି, ପଡ଼ ଧାତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଚେ, ସପୋଜ୍ ପାଚେ, ମୁଁ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପାଚେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପାଚେ ପଚ୍ ଯୁକ୍ତ ଏ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠି ପଚ୍ ଧାତୁ ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ପଚ୍ ଧାତୁ ହେଲା, ବା ପଢ଼େ ପଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଏ, ପଢ଼ନ୍ତି ପଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଧାତୁ, ପଢ଼ୁ ପଡ଼ ଯୁକ୍ତ ଉ, ଗୋଟେ ଧାତୁ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତି। ତା'ମାନେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭକ୍ତିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପଦଗୁଡ଼ାକ ଏକକ କ୍ରିୟା କହିବା, ଏଇଟା ଏଥିରୁ 2 ମାର୍କ ଆସିବାଟା ପକ୍କା, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା ସବୁଠୁ ସହଜ, ଖାଲି ଟିକିଏ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗୌଣ ଧାତୁ ବା ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଧାତୁରୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ଓ ଗୌଣ ଧାତୁରୁ ଗଠିତ କ୍ରିୟାକୁ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତା ମାନେ ଏ ଯୌଗିକ କ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ରହିବ, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ରହିବ ଗୌଣ ଧାତୁ, ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ଗୌଣ ଧାତୁ, ତା ମାନେ ଦୁଇଟା ଧାତୁ ସେଠି ରହିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଯୌଗିକ କୁହାହେବ। ଯୌଗିକର ଅର୍ଥ ହିଁ ଦୁଇ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁରେ ଉ ବା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ, ଯେମିତି କ'ଣ, ଉ ବା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଗୌଣ ଧାତୁରେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ତ ବିଭକ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୌଣ ଧାତୁରେ ଲାଗିବ ବା ପର ଧାତୁରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରେ ବସେ ସେଟା ଉ ବା ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ, ଲେଖୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖୁ ଅଛି, ଲେଖ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଲେଖ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ, ଉ ଲାଗିଲା, ଉ, ଓକେ, ଲେଖ ସହିତ ଉ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ଲେଖି ଅଛି ଯଦି ଲେଖିବି, ଲେଖ ଯୁକ୍ତ ଇ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଅଛ ଯୁକ୍ତ ଇ ହେବ, ଅଛ ପ୍ଲସ୍ ଇ ହେବ, ହେଲା। ତ ଏଠି ଇ ଆଉ ଉ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲେଖି ଅଛି, ଇ ଆଉ ଇ ହେଉଛି ଏଠି ବିଭକ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୌଣ ଧାତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଲେଖୁ ଅଛିରେ ଲେଖ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଧାତୁ,
लेख हेउचि मुख्य धातु, उ हेउचि तार विभक्ति। सेमिति गौण क्रिया ये हेला मुख्य क्रिया, गौण क्रिया किए अच युक्त ई, बुझिपारे इटा हूँ विभक्ति। तो से कहवा चाहूँ लेखु अच्छी रे, लेख हूँ मुख्य आउ उ हूँ प्रत्यय आउ अच हूँ गौण धातु, ई हूँ सेमती प्रत्यय बा क्रिया विभक्ति। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखूँ कौन हूँ आंसर, समापिका क्रिया क्या कहुए देखा, समापिका क्रिया क्या कहुए क्रियापद द्वारा, क्रियापद द्वारा वाक्यर समाप्ति घटिले कौन कह आम समापिका क्रिया कह। जो क्रियाटे गोटे वाक्य को शेष करुच्छी, मन रखु कार्यटी संपन्न हो कि न संपन्न हो, किंतु कार्य शेषर आपणकर वाक्य शेषर सूचना जी दे गोटे वाक्यटे सरला जाणी जोठे ओके कौन कह आम समापिका क्रिया कह। फॉर एग्जांपल देखु सिंह धरबी मु क्षीर खाइब तुम्हें है गायर कौन सिंह धरती तापर क्षीर धुआ जाए, तो जड़े कहि सिंह जदि मुझ धरवि कौन तुम क्षीर खाइब सेमती आक्षेप कर। तो ये कौन है ना ये समापिका क्रिया किए किए बोली कह ये धरबीटा समापिका नुहे, कारण या द्वारा वाक्य वाक्यर समाप्ति घटूना है। क्षीर तुम्हें खाइब ये खाइब है खाइबा हूँ वाक्यर समाप्ति करुच्ची, बुझिपारा ना कि पर्सती महिमुखे नई अंबुज खल वचन जथा शहे सुजन रह मु आसुची उष्म थिले महाभारत रे उज्जवल चरित्र ओके। तो ये थिले ओके ये कौन कौन हो सब देखो थिले प्रथम अच्छे थिले थिले हो समापिका क्रिया कहीं वाक्यर समाप्ति एथिरु जना पड़ी, बुझिपारा ना रह मु आसुची ये रहरु कौन वाक्यर समाप्ति घटुची कि मु आसुची आसुची रु वाक्यर समाप्ति घटुची खल वचन जथा शहे सुजन ये शहे बर्षंती महिमुखे अंबुदे है सेमती आपत कहतु सिंह धरबी मु क्षीर खाइब तुम्हें सिंह धरबी हम ना खाइब हम आमर समापिका क्रिया आपन तो बुझी जाइए। ठीक अच्छे नेक्स्ट देखो कौन हो असमापिका क्रिया, जो क्रिया द्वारा कौन हुए ना वाक्यर समाप्ति जना पड़े ना, देखो से पा आनी जाठे जाता समापिका क्रिया जाइटा हम समापिका किंतु आणीटा वाक्यर समाप्ति करना तेणुक असमापिका क्रिया। ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन अच्छे देखो नेक्स्ट क्रिया पूर्ववर्ती कार्यर सूचना टीके स्वेली मिस्टेक हो पारे हाँ क्रिया पूर्ववर्ती कार्यर सूचना परे बा अंतर अनंत अर्थरे है तुम्हें पाठ पढ़ी यशस्वी हुओ, देखो ये पढ़ी पढ़ी माने कार्यटी समाप्त घटनी यशस्वी हुओ ये हुओ होता कौन असमापिका क्रिया किंतु पढ़ीटा हो पार ना पढ़ी असमापिका क्रिया। जदि आप क्वेश्चन में पढ़ी रे डेस् पके पचारा कौ क्रिया तो असमापिका क्रिया करेंगे, जदि पचारे हुओ हुओरे तेल हुओटा होता आप कौन ना समापिका क्रिया। ठीक अच्छे दुईट कार्य एका संगे चालू रही भी आपंकर असमापिका क्रियार उत्पन्न हे से घरे थी सब चोरी गला है चोरी गलाटा हो समापिका किंतु ये थाईटा रहा थाईटा असमापिका सेमती गुड़ाए एग्जाम्पल अच्छे आप देखिपारे मुझे विशेष डिस्कसन करूनी। नेक्स्ट देखो गोटे कार्य अन्य कार्य उपर निर्भर रे भी हो प्रथम मूल क्रिया रे ले इले इथिले उथिले जोगरे असमापिका क्रिया हबो हला प्रथम क्रिया जो रोचे मुझे दुईटा क्रिया देखेली बुझिपा ना खाई आसी आसी गोटे क्रिया आ खाई गोटे क्रिया हेले खाईटा हूँ असमापिक क्रिया हेले से जो कहला असमापिक क्रिया के जानवा ना से लगे ले इले इथिले उथिले हला जमी तुम्हें गले कंडीशन बा इफ क्लोज कंडीशन अर्थ है सर्त रखा हे जमी तुम्हें गले जा आसवि ना मुझे तुम्हें आसब तो ये गोटे सर्त रखा है एमती मिनिंग आपंकर असमापिक क्रिया आसपार गोटे गले आपर कौन लगे ये ले बसला आ कौन गाउले असीमा गाउले पुरस्कार पाई है असीमा गाउले पुरस्कार पाई पाई था था नुहे पाई था तो गाउले ये इले बसला इले है इले पार सेमती उथिले पार ओके। ठीक अच्छे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखो कौन रोचे सरल वाक्यरे सरल वाक्यरे समापिका और असमापिका क्रियार कर्ता एक मन रखु गोटे सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस रे आप कौन हो ना समापिका क्रिया आउ असमापिक क्रियार
गोटे ही मात्र कर्ता थाए जमी छात्रटी भात खाई स्कूल को गला एवं गोटे मात्र कर्ता हूँ छात्र तो खाई हो असमापिका आ गला समापिका जे कार्य वाक्य समाप्ति घटौची कौनसी क्रिया संपन्न देखो तो संपन्न असंपन्न सेटा काल रे जाउची भूल रे भी संपन्न माने मु कहूँ मु भात खाऊ खाऊची खाऊची माने कार्यटी कंटिन्यूस करची खाइबा सरीनी मोर किंतु सेटा काल बा जोटा टेंस कहती टेन्स रे ताको देखा जाए संपन्न भविष्यत असंपन्न वर्तमान संपन्न वर्तमान एगुड़ाक सबू असंपन्न हेले कौन खाऊची संपन्न माने खाई किंतु ये काल नुहे ये हूँ समापिका असमापिका क्रिया मुझे कहीदेली कौटे मिस्टेक हम जदि सामान सामान लगुच माइंड को मेकअप कर दिंतु कौटा समापिका कौटा असमापिका ठीक अच्छे नेक्स्ट कौन हो देखु जटिल वाक्य समापिका और असमापिका क्रियार पृथक कर्ता थाए हला जमी संध्या हुवंते पक्षी माने बसा को फेरिले संध्या हुवंते हला भारत हॉकी रे जिणिले देशवासी खुशी हेबे तो ये कौन समापिका क्रिया गोटे हेले आ गोटे हेबो जमी हुवंते एठे कौन अंतल बसिला जाणिले एठे इले बसिला इले इथिले एगुड़ाक सब कौन करे ना असमापिक क्रिया रो सूचना दिए फेरिले होची समापिका क्रिया खुशी हेबे होची समापिका क्रिया आउ एटा होची गोटे जटिल वाक्य ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट देखु कौन हो पद्यरे समापिका क्रिया स्थले असमापिक क्रिया व्यवहार हुए एटा सबुठ भेरी भेरी इंपोर्टेंट मु कहि रखुची कारण आपण जदि भिडियो सत्रे देखि देखि एतिकी पर्यंत पहुँचिलेणी ताले याकु नोट डाउन कर दियंतु जदि कन्सेप्ट जानि नहंती सबुठ इंपोर्टेंट ना आमर कौन हुए जेतेबेळे आमे स्टोरी लेखु स्टोरी बा गप पढ़ु बा आमे गद्य पढ़ु सेतेबेळे आपणकर समापिका असमापिका क्रिया को बारी हुए करा जाय पारे समापिका कौन असमापिका कौन आमे भलसे बुझी पारु किंतु इठी कौन होची पद्यरे जेते पद्यटे लेखा जाए सेतेबेळे समापिका क्रिया को असमापिका क्रिया भाव में लेखा जाए था देखंतु कौन होची ना दंडीबा शक्ति जार थाई देखंतु माने दंडीबा शक्ति मोर अच्छी मन कर दंडीबा शक्ति अच्छी दंडीबा शक्ति अच्छी दंडीबा शक्ति अच्छी इटे अच्छीटा हो कौन समापिका क्रिया कारण वाक्य समेत जना पड़ी किंतु ताको जदि मु पद्यरे लिखी दंडीबा शक्ति जार थाई दंडीबा शक्ति जार थाई तो ये थाईटा हो असमापिका क्रिया तो यहाँ मन रखत से क्वेश्चन पचार पद्यरे समापिका क्रिया स्थले कौन असमापिका क्रियार निम्नलिखित मध्यरु केउटि एक सठिक उदाहरण गोटे उदाहरण दे देथिबो देखिबे सेटे पद्यरे एमिति जोटे थिबो ना समापिका को असमापिका को क्रिया भळिया लेखा हेथिबो जेंदि से पुणी क्षमा कौन आचरई एमिति रई थाई एमिति सब बसिबो देइथिले पाई जदि देबो ताहाले पाइबो पाइर अर्थ होला पाइबो एक्चुअली समापिका क्रिया किंतु असमापिका क्रिया भाव में कौटी लिखा हो ना पद्य विभाग में लिखा हो पद्य ओके ठीक अच्छे फ्रेंड्स नेक्स्ट देखु कौन रोच नेक्स्ट आउ किटा सेन्टेन्स सामान पद समापिका असमापिका होते दीटा पद जदि समापिका असमापिका थी कि जाणी से कथा शुणी से मैंने हसिले हला शिशु हसिले दुनिया हसिबो ये होची असमापिका क्रिया हसिले जोटा कि कंडीशन गोटे देखा आउ दुनिया हसे ये होची समापिका क्रिया शुणी होची असमापिका क्रिया हसिले होची समापिका क्रिया चलो देखिबा नेक्स्ट कौन रही नेक्स्ट नेक्स्ट आसिले आमर सिक्स नंबर मिश्र क्रिया अमिश्र क्रिया कौन ना सूर्य पूर्व दिगरे उइले सूर्य पूर्व दिगरे उदय हेले ओके गोटे क्रिया को आमे जदि ताकु जो इटे कौन अच्छी उइबा धातु को आमे कौन करदे नाम कन्वर्ट करदे नाम धातु करदे जमीती कि उइले उदय हेले बुझिपार ना इटे दुईटी क्रियापद आसला दुईटी क्रियापद आसला कि उइले हूँ गोटे क्रियापद तेणुक गोटे क्रियापद जदि रहा उइबा उइबाटा गोटे क्रियापद
आ बुझिपारे गोटे क्रियापद रहिले ताको अमिश्र क्रिया कहिबा अमिश्र कारण सी मिसिकी नाही किंतु जदि दुईटा क्रियापद आसला एटा उदय गोटे आसला हेबा गोटे आसला बा हेला गोटे आसला तो दुईटी क्रियापद जदि संजोग रे कौन गोटे अमिश्र क्रियार सृष्टि होइथाय। ठीक अछि तार गुडा एग्जांपल अछि आपण देखि नियंतु जेमिति कि गढ़िले 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 को आपणकर अमिश्र क्रिया रे केम लिखि परिवे गठन कले ये तो एग्जाम रे पचारिबो गढ़िले को असमपेक्षा क्रिया कौन सॉरी आमर जौगिक क्रिया भाव लिखंतु तो इजिली करि परिवे। ठीक अछि चलेगा नेक्स्ट देखंतु अकर्मक अमिश्र क्रिया आउ अकर्मक मिश्र क्रिया कौन किसी असुविधा ना फ्रेंड्स जो क्रिया रे जो अमिश्र क्रिया रे कर्म थाए सी है सकर्मक आउ जो अमिश्र क्रिया रे कर्म न थाए सी हूँ अकर्मक तो सुखिला कौन पानी सुखिबा घर सुखिबा तो कर्ता आउ क्रिया ही रहिला कर्ता को क्रिया ही रहिला कर्ता आउ क्रिया रहिला किंतु आपणकर कर्म नाही हला तो कर्म नथिले ताको अकर्मक अमिश्र क्रिया कहिबा सुखिला को आमे केमिति अकर्मक मिश्र क्रिया रे अकर्मक अमिश्र क्रिया अछि ये सुखिला कर्म नाही प्लस ये अमिश्र क्रिया हेकि अछि अमिश्र माने जार दुईटा धातु नथिबो किंतु देखंथ एटे दुईटा धातु अछि शुष्क गोटे हेला गोटे तो हेला अकर्मक मिश्र क्रिया रे कन्वर्ट करि परिबा जीछि जीवित अछि मरिबा मृत हेबा ए सब। ठीक अछि तो एठे हेबाटा हो धातुर आछि मृतटा मृत धातुर आछि मृत। ठीक अछि सेम गोटे आसला सकर्मक अमिश्र क्रिया और सकर्मक मिश्र क्रिया हला सकर्मक अमिश्र क्रिया कौन गाउछि ओके सकर्मक गाउछि कौन खाली रे गाय कि से गोटे गीतटे गाइब ना गीत गाउछि जेमिति शुणिली कथा शुणिली गप शुणिली गप शुणिले गप शुणिले हे परिबो गीत गाउछि तो एठे कर्म रहुछि कर्म रहिले सकर्मक अमिश्र क्रिया हो अमिश्र क्रिया काई गेला कारण गोटे धातु अछि गा धातु अछि एठे गाइबारे गा धातु अछि शुणिबारे शुण धातु अछि शुण धातु तो गोटे ही धातु रहिला गोटे धातु रहिले सकर्मक क्रिया हबो आउ अमिश्र क्रिया ताको कहिबा किंतु सकर्मक सकर्मक मिश्र क्रिया केमिति करि परिबा ना गाउछि को मु गान करूछि लिखि परिबि शुणिले को श्रवण करूछि लिखि परिबि। ठीक अछि बहुत इजी किछि कष्ट नै एटा नेक्स्ट आसिला साहाज्यकारी क्रिया द्वारा मिश्र क्रिया मध्ये होई परिबो जेंति उठ गर्जी उठिला कही उठिला एटा गर्जी कही दीटा स्पेशियली अलगा अलगा लेखा हैछि पक्का कांदी पकाइबा एटा पक्का धातुर व्यवहार करा हैछि जा पढ़ी जीवा नेई जीवा ओके ए सब मिश्र क्रियार गुड़ाए उदाहरण अछि तो देखो फ्रेंड्स आपण को सस्पेंस हिसाब से रखी बहुत इम्पोर्टेंट जोटा क्रिया विशेषण क्रियाज विशेषण कौन क्रिया विशेषण कौन आ क्रियाज विशेषण कौन ग्यारंटी एथिरु तीन मार्क चार मार्क क्वेश्चन पाइबे आपण कौनसी भी एठे कौन डाउट ना जे आपण को क्वेश्चन आसिबनी क्रिया विशेषण क्रियाज विशेषण निहाती पचारिबाटा पचारिबो तो क्रिया पदर गुण अवस्था को प्रकाश करे क्रिया विशेषण कौन करे तार गुण किंबा अवस्था को सी प्रकाश करे किंतु क्रियाज विशेषण कौन करे विशेष पदर विशेषत्व प्रकाश करे ओके क्रियाज विशेषण हूँ विशेष पद थी से क्रिया बा धातु नातु नातु थे तो सी क्रिया हो किंतु गोटे नाम धातु थपर नाम धातु भाया सीट थी आ नाम धातु थे कौन थी सीटे विशेष पद को विशेषित कर। ठीक अच्छे एग्जाम्पल हूँ पिलाटी खुशी रे खेलुची पिलाटी खुशी रे खेलुची देखते खुशी रे तो खुशी रे कौन हो क्रिया विशेषण हम ना क्रियाज विशेषण हम ना हो क्रिया विशेषण कहीं खेल धातु अच्छी आउ खुशी बुझिपार ना नहीं खुशी कौन केमी खेलुची ना खुशी रे खेलुची ये आसला आपणकर कौन ये हूँ क्रिया विशेषण क्रिया को विशेषित करु क्रियाज विशेषण कौन ना क्रियाज विशेषण क्रिया धातुर प्रत्यय जगह गठित होता है ना से एक्स्ट्रा गोटे प्रत्यय लगी था जमी कौन क्रिया धातु प्लस प्रत्यय से क्रुदंत हो पारे बुझिपार ना ना गोटे क्रुदंत भी कहीपर क्रिया धातु सहित प्रत्यय एग्जांपल गोटे देखूँ
ଫଳନ୍ତି, ଫଳ ଧାତୁ ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଅନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଅନ୍ତି। ଫଳ ଧାତୁ ଅଛି ଆଉ ଅନ୍ତ ଧାତୁ ଅଛି, ଫଳ ଧାତୁ ଅଛି, ଅନ୍ତ ଧାତୁ ଅଛି ଆଉ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅଛି, ଫଳନ୍ତି। ଏଠି ଫଳଟା କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା, ଫଳଟା ଗୋଟେ ନାମ ହେଇଗଲା, ନାମ। ତ ଯେଉଁଟା ନାମରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବ ନାମ ଧାତୁ ହେଇପାରିବ, କିମ୍ବା ତାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ବି କହିପାରିବା। କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରିପାରୁଛି ତାକୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, ଖୁସିରେ ଖେଳୁଛି, ଦୟାପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ କହ, ଏସବୁ ଭାବେ ପୂର୍ବକ ଖୁସିରେ, ଏମିତି ଯେଉଁଠି ବସିଲା ସେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, କାହିଁକି କ୍ରିୟା ତା'ର ଅବସ୍ଥା, ଓକେ, ତା'ର ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ତା ଗୁଣକୁ ଶୋ କରୁଛି ବା ଦର୍ଶାଉଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ, ଏଠି ଅନ୍ତ ଲାଗିଥିବ, ଅନ୍ତା, ଫଳନ୍ତି ଗଛ, ଜଳନ୍ତା ନିଆଁ, ଓକେ, ମଲା ମଲା ଲୋକ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ପଢ଼ିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ, ମଲା ଲୋକର ଦୁର୍ନାମ ଅନୁଚିତ। ଯଦି ପ୍ରଥମେ କରି ବସିଲା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣଟା ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ବସିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଠି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଆଉ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ନେକ୍ସଟ୍, ତ ଇଏ ଥିଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଆଉ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ୟାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମର ପାର୍ଟ ୱାନ୍, ପାର୍ଟ ଟୁ, ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ ଯାହା ସବୁ କନସେପ୍ଟରେ ଶିଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅପଲୋଡ଼ କରାହେଇଛି ଓଡ଼ିଆର, ତାକୁ ଭଲସେ ୱାଚ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣ ଶିଖିପାରିଲେ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସମସ୍ତ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲସେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କିପ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।